Welcome friend, I am your instructor Ajay Pupalgar. In this premier session, today we are going to see cloning effect. For cloning, things should be considered. Movement. Camera should not move. Shoot with tripod. Nothing in the scene should move except characters. Shot should be stable, so shoot with tripod. Lighting. The lighting should be consistent. Ideal if you could set up lighting yourself. Lighting should be same for the both characters. For cloning, we are using two characters. Here are some examples of cloning footages. So let's start with the practical session. So I'm using Premiere Pro CC. So I'll double click on project panel. I'll import my footage from my drive. So मैंने अपनी फुटेज यहाँ पे इंपोर्ट कर दी है, तो इसे मैं भी राइट क्लिक करके न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप क्रिएट करता हूँ. इसे यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ. जैसे कि आप सोर्स मॉनिटर में फुटेज देख रहे हो, यहाँ पे दो कैरेक्टर है अलग अलग. हमने शूट किया है फर्स्ट कैरेक्टर को यहाँ पर, सेकेंड फ्रेम में हमने वही कैरेक्टर को रिप्लेस किया है. तो हम इसे यहाँ पे ट्रिम करते हैं. ट्रिम करने के लिए अभी मुझे ये फुटेज यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए. ओके, सो आई विल प्रेस 0 फॉर आउट, आई फॉर इन. दिस मच फुटेज ओनली आई नीड राइट नाउ. सो अभी मुझे सिर्फ इसका वीडियो चाहिए, तो मैं वीडियो को ड्रैग करूँगा. ओके, जैसे ही वीडियो मैं टाइमलाइन पर ट्रैक करता हूँ, तो आपको प्रोग्राम पैनल में मेरा मेन वीडियो दिखाई दे रहा है. सो क्लोनिंग करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो मैं आपको टू टाइप्स ऑफ क्लोनिंग यहाँ पे सिखाऊंगा. ओके, तो हम देखते हैं इस फुटेज को कि ये यहाँ पे प्ले हो रहा है. यहाँ तक ओके. अभी मैं नेक्स्ट फुटेज लेता हूँ यहां से. यहां तक आई नीड वीडियो ओनली, सो आई विल ड्रैग वीडियो ऑन माय टाइमलाइन दिस मच. सो आई विल जूम इट बाय क्लिकिंग प्लस. दिस मच ओनली आई नीड, सो आई विल ट्रिम इट बाय प्रेसिंग सी फॉर कर्सर एंड वी फॉर सिलेक्शन टू. तो आप देख रहे हैं कि जो मैंने पहले वीडियो सेकंड वीडियो में रखा है, तो वो ओवरलैप हो रहा है मेरे फर्स्ट वीडियो के साथ. ओके, जैसे इसे क्लोज करता हूँ, तो आप ये वीडियो देखोगे. तो अभी हमें इसे कंपोज करना है एक साथ. तो इसके दो तरीके होते हैं. तो फर्स्ट स्टेप जो है, हम देखेंगे इस फुटेज को. मैं पहली वाली फुटेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इफेक्ट कंट्रोल में जाता हूँ. यहाँ पे मैं ओपेसिटी पे क्लिक करता हूँ. ओपेसिटी पे क्लिक करते ही मुझे यहाँ पे मुझे कुछ स्प्लाइंस दिख रहे हैं. ओके, अगर मुझे सर्कल क्रिएट करना है, तो मैं सर्कल इस तरीके से क्रिएट कर सकता हूँ. यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक मास्क क्रिएट हो गया. रेक्टेंगल करना है, तो रेक्टेंगल मैं क्रिएट कर सकता हूँ. यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गया. आप अलग अलग मास्क यहाँ से क्रिएट कर सकते हो. यहाँ पे अभी मुझे इतने मास्क की ज़रूरत नहीं है. पेन टूल से मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे जिस तरीके का शेप क्रिएट करना है, उस तरीके का शेप मैं यहाँ से अलग अलग इसमें क्रिएट कर सकता हूँ. ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं. तो ये मास्क को मैं अभी यहाँ पे डिलीट करता हूँ, यहाँ पे न्यू मास्क क्रिएट करता हूँ. सो इन दिस फुटेज आई नीड ओनली दिस कैरेक्टर. सो आई क्लिक हियर. आई विल कीप 50%.
ओके, तो ये एक गार्बेज मैट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो आप देख रहे हो कि दोनों कैरेक्टर एक साथ कंपोज हो गए और यहाँ पे कुछ फेदर की वैल्यू दे दी है। सो डी सिलेक्ट की है, सो यू विल सी माय क्लोनिंग। ठीक है, जब भी आप फुटेज लेते हो क्लोनिंग के लिए, तो उसके लिए आपका लाइटिंग होना ज़रूरी है। एक ही लाइट में आपको प्रॉपरली शूट करना होता है और कैमरा स्टेबल होना ज़रूरी है। कैरेक्टर मूव हो रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आप प्रीमियर में क्लोनिंग कर सकते हो। सो नाउ आई विल शो यू द डिफरेंट वे टू क्रिएट क्लोनिंग। ओके, तो मैं यहाँ पे जो मास्क हमने क्रिएट किया था, इसे अभी डिलीट करता हूँ। डिलीट जैसे ही मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वो पहला जो कैरेक्टर है वो रिवील हो रहा है। इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे। तो अनदर वे आप अगर देखोगे, तो आपको जाना है इफेक्ट पैनल में। इफेक्ट पैनल में आपको वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे क्रॉप ऑप्शन लेता हूँ और मैं ये ऊपर वाली फुटेज पे ड्रैग करता हूँ। ओके, तो मैं इसे जैसे ही ड्रैग करता हूँ और क्रॉप पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप ये ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। तो अभी मैं इस कैरेक्टर को रखना चाहता हूँ इस फ्रेम में, तो मैं यहाँ से इसे क्रॉप करूँगा। तो फर्स्ट लेयर पे जो मेरा वीडियो है, उसका कैरेक्टर यहाँ पे रिवील होगा। ओके, तो ये यहाँ तक रखता हूँ और इसमें कुछ फेदर की वैल्यू देता हूँ, तो ये प्रॉपरली मर्ज हो जाएगा। तो इस वे से भी आप क्लोनिंग कर सकते हो। ओके, देर आर टू वेज टू क्रिएट क्लोन। ओके, फर्स्ट इज विथ क्रॉप एंड अनदर इज विथ ओपेसिटी बाय क्रिएटिंग मास्क। नाउ वील सी मल्टीपल क्लोनिंग इन प्रीमियर। अभी यहाँ पे हमने क्या किया था, दो कैरेक्टर का क्लोनिंग किया था, उसी के साथ हम मल्टीपल क्लोनिंग करेंगे। ओके, दो से ज़्यादा जब हम कैरेक्टर उसमें यूज़ करेंगे, तो मैंने अलग अलग तरीके से शूट किया हुआ है, तो उस चारों फुटेज को हम एक साथ कंपोज करके उसका क्लोनिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं फुटेज को इम्पोर्ट करता हूँ डबल क्लिक करके, ये फुटेजेस में अपना इंपोर्ट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं एक न्यू बिन लेता हूँ, एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ। मल्टीपल क्लोनिंग, और इन फुटेजेस को मैं इसमें इंपोर्ट करता हूँ। और यहाँ पे मैं एक फुटेज को सिलेक्ट करके, जबकि आप देख रहे हो इनकी जो साइज है वो सेम है, क्योंकि मैंने एक ही कैमरे से शूट किया हुआ है। ओके, तो मैं इसमें से एक सीक्वेंस क्रिएट करता हूँ। ओके, अब इस सीक्वेंस में मैं अलग अलग फुटेजेस है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो सोर्स मॉनिटर में। मैं प्ले करता हूँ इसे। ये एक अलग फुटेज है, इस तरीके के चार फुटेजेस मेरे पास अभी अवेलेबल है, तो मैं इसे अभी क्लोन करता हूँ। तो मैं मेन फुटेज में ये कैरेक्टर रखता हूँ, तो मुझे इसका साउंड नहीं चाहिए, क्योंकि साउंड में कुछ डायलॉग्स है नहीं, तो मैं सिर्फ वीडियो पे काम कर रहा हूँ। तो वीडियो को मैं ड्रैग करता हूँ और इसे प्लस से जूम करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले ये कैरेक्टर रहेगा, उसके बाद मैं इस कैरेक्टर को इंपोर्ट करता हूँ टाइमलाइन में। सिर्फ वीडियो चाहिए, तो मैं वीडियो को सिलेक्ट करके इस पर ट्रैक करता हूँ। तो जो ऊपर वाली लेयर पे सबसे पहले फुटेज होगा, वही फुटेज यहाँ पे प्रोग्राम पैनल में दिखाई देगा, मेन विंडो में हमारे दिखाई देगा।
तो थर्ड विंडो फुटेज लेता हूँ, इसको डबल क्लिक करके इसमें वीडियो को ट्रैक करता हूँ थर्ड लेयर पे, फोर्थ लेयर पे इसे वीडियो को ट्रैक करता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये अलग अलग साइज में इसकी लेंथ है, तो मैं एक ही साइज में इसकी लेंथ को ट्रिम करता हूँ। प्रेस करता हूँ सी, और अलग अलग कट करने से अच्छा मैं इसे शिफ्ट प्रेस करके एक ही पे कट करता हूँ, तो एक ही लाइन में सब कट हो जाएगा। और वी प्रेस करता हूँ सिलेक्शन के लिए, सबको सिलेक्ट करके डिलीट, और जाता हूँ फर्स्ट फ्रेम पे, और कुछ फ्रेम आगे आने पे यहाँ पे मैं करता हूँ इसे फिर से डिलीट। प्रेस सी, शिफ्ट, देन क्लिक, वी, सिलेक्ट ऑल एंड डिलीट। ट्रिपल एडिट के लिए राइट क्लिक एंड ट्रिपल एडिट। जो मेरी सबसे ऊपर वाली लेयर पे जो फुटेज रखी हुई है मैंने, तो वो यहाँ पे प्रोग्राम विंडो में दिखाई दे रही है। ओके, तो हमें इसे अभी क्लोनिंग करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूँ क्रॉप ट्रांसफॉर्म में से, और अप्लाई करता हूँ ऊपर वाली इमेज पे, लेयर पर। ओके, ऊपर वाली लेयर पे मैंने क्रॉप अप्लाई किया है, और इसे मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा। मैं यहाँ पे इसका व्यू 50% रखता हूँ ताकि आप ट्रांसफॉर्मेशन देख सको। ओके, तो अभी इसके नीचे वाली जो लेयर है उसको व्यू करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे यहाँ पे ट्रिम करना पड़ेगा ताकि इसके नीचे वाली जो लेयर है वो यहाँ पे रिवील हो सके। ओके, तो यहाँ पे मैंने यहाँ तक इसे मैंने ट्रिम किया है, कट किया है, और इसमें मैं अभी दे दूंगा 7 की वैल्यू ताकि यहाँ पे हार्ड एजेस ना आए। ओके, तो इसके नीचे वाली लेयर पे अभी मैं क्लिक करता हूँ और इस पे अप्लाई करता हूँ क्रॉप। यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो जैसे मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ क्रॉप के ऊपर, और यहाँ पे ये फुटेज को लेता हूँ यहाँ तक, तो आपको यहाँ पे ये इमेज दिखाई देगी। ओके, ये वाली इमेज, क्योंकि इस लेयर के नीचे ये लेयर है, तो अभी ये रिवील हुआ है, तो मैं इसे कट करूँगा यहाँ तक, और इसका जो फेदर है फेदर देता हूँ मैं 7। ओके, इस पे मैंने अभी क्रॉप अप्लाई किया है, अभी सेकेंड वीडियो पे मुझे क्रॉप अप्लाई करना ताकि मेरा यहाँ पे क्या जो कैरेक्टर है जो इसके नीचे है वो रिवील हो जाए। तो मैं इस पे अप्लाई करता हूँ क्रॉप, या आप इस पे मास्किंग भी कर सकते हो, जैसे कि हमने दो टाइप्स देखे थे, मास्किंग और क्रॉपिंग। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओपेसिटी में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं पॉलीगॉन सिलेक्ट करता हूँ, रेक्टेंगल जैसे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मेरा रेक्टेंगल आ गया। अभी ये मैंने ये वाली फुटेज पे अप्लाई किया है, इसको सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग करता हूँ और कुछ फेदर दे देता हूँ, इसे सिलेक्ट यहाँ तक ड्रैग। ओके, तो इस तरीके से आप चारों कैरेक्टर को रिवील कर सकते हैं, लेयर बाय लेयर आपको उसको अरेंज करना है, उसके ऊपर क्रॉप या मास्किंग के थ्रू आप उसमें ऐड कर सकते हो क्लोनिंग। तो एक बार प्ले करके देखते हैं हम कैसे कंपोज हो गए। यहाँ पे मैं करता हूँ फिट एंड प्ले। ओके, कहीं पे आपको हार्ड एजेस दिखाई नहीं देंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइट का मुझे लग रहा है, तो यहाँ पे मैं इस वाली लेयर पे फेदर इसका बढ़ा देता हूँ, फर्स्ट वाली लेयर। जैसे यहाँ पे आप देखोगे डिफरेंस आ रहा है थोड़ा लाइट का, तो इसका मैं जो फेदर है इसको कर देता हूँ 15। ओके, तो यहाँ पे अभी वो डिफरेंस चला गया, जो हार्ड एजेस यहाँ पे दिख रहे थे वो अभी यहाँ पे दिख नहीं रहे। तो प्ले करता हूँ, प्रॉपरली कंपोज हो गए हैं सारे क्लोनिंग। ओके,
So, what we learn from this session? Masking, cropping, cloning, and multi-cloning. Okay? So, here's the end of this session. Thank you.